हेलो, वेलकम टू एमएम रिएक्शन। मैं हूं मुनीब और शाहिद। एक और एक्साइटिंग वीडियो है। वीडियो का टाइटल बता देता हूं, बू बंसवर। अगर कोई प्रोनंसिएशन में मिस्टेक हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी, माफ कर दें। हाँ बिल्कुल, हिंदी में है बू बंसवर सिटी टूर कैपिटल ऑफ ओडिशा। वाह भाई वाह, नाम भी मजे नाम का भी है। मजे के। हाँ देखते हैं क्या है वीडियो इस सिटी में। वैसे इस सिटी का ना नाम जो है वो बता रहा था, शायद ही बता रहा था कि ये जरा एंशियंट टाइप कुछ एंशियंट सिटी है। सिटी है, तारीखी। हाँ, इसको जरा पढ़ने का शौक है ऐसी चीजें। बहुत ज्यादा। शुरू करें चले जी। बगैर किताब के पढ़ता है। मैं असल में नहीं। हाईवे पे गुजरते हुए बोर्ड वगैरह पढ़ता हूँ सारे। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल का भी मिल जाएगा। एक्सप्लोर वायरस चैनल का नाम है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले अपने चैनल एमएम रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और पहले वीडियो को नंबर पे शेयर करें। बिल्कुल। शुरू करें, गो। ब्लैक एंड व्हाइट दोस्तों, ये है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो पूरी भारत के ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ओल्ड भुवनेश्वर सिटी को एकाम्रा खेत्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां ढेर सारे आम के पेड़ लगे हों। दोस्तों, इस शहर को लोग द सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां 700 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज के समय में शहर पूरे भारत के एजुकेशन हब और बिजनेस हब के तौर पर उभरा है, क्योंकि यहां आसपास के क्षेत्रों से लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यहां कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर भी मौजूद हैं, और काम धंधे की तलाश में न जाने कितने लोग इसी शहर की तरफ देखते हैं। ये शहर समुद्र तल से 190 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और 186 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भुवनेश्वर की सड़कों पर आपको OD02 और OD33 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। जितने भी वाहन इस शहर में ऑन किए जाते हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन इन्हीं RTO के अंदर किया जाता है। भुवनेश्वर शहर में उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। उड़िया यहां रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। ये शहर भी आंध्र प्रदेश के वाइचक शहर की तरह कलिंग साम्राज्य के काल से बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 837,000 लोग रहते हैं। ये शहर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों समुदायों का केंद्र माना जाता है। 1949 में भुवनेश्वर ने कटक को ओडिशा की राजधानी के तौर पर रिप्लेस कर दिया, और आज भुवनेश्वर ही ओडिशा की राजधानी माना जाता है। भुवनेश्वर और कटक ओडिशा की 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों नगरों की शहरी जनसंख्या 1.7 मिलियन है। दोस्तों, भुवनेश्वर को 1946 में नियोजित तरीके से बसाया गया था। इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम ऑटोकोनी बर्जर था। राउरकेला और भुवनेश्वर ओडिशा के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। भुवनेश्वर को Tier 2 सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। भुवनेश्वर ओडिशा का मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और टूरिस्ट हब है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की उन शहरों की लिस्ट में भुवनेश्वर को रखा गया था जिन्हें बिजनेस करने के लिहाज से भारत के सबसे बढ़िया शहरों में माना गया है। ओडिशा का ये शहर पूर्वी भारत के सबसे तेजी से डेवलप करते शहरों में आता है। 1990 से पहले ये शहर केवल रेजिडेंशियल शहर होता था, जिसके आसपास छोटे मोटे बिजनेस एरिया होते थे, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद IT सेक्टर में यहाँ दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई। 17 टीयर 2 सिटीज के बीच 2011 में की गई एक स्टडी के अनुसार भुवनेश्वर सबसे ज्यादा तेजी से एम्प्लॉयमेंट देने वाला शहर है। दोस्तों, इस शहर की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एजुकेशन जैसे सेक्टर से बहुत ज्यादा पैसा आता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड IT पार्क भी है, जहाँ पर ढेर सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसी वजह से इस शहर में IT क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये शहर के आसपास बड़े ही पुराने ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं, जो देखने में बड़े ही इनको देखने हर साल भारत के अलावा विदेशों से भी लाखों सैलानी आते हैं, जो इस शहर की इकोनॉमी के लिए चेरी ऑन द केक है। इस शहर में एक IT मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की जाती है। इसके अलावा इस शहर में स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसी ढेर सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो इस शहर में हजारों हजार लोगों का पेट पालती हैं। इस शहर को जब बनाया गया था, तो यहाँ पर बेहतरीन सड़कें और रेलमार्ग से इस शहर को जोड़ा गया,
ताकि शहर में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली डेवलपमेंट्स को तेजी देने के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दी जा सके। यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जिसे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। यहां पे दो मुख्य रेलवे स्टेशन हैं जो पुराने और नए भुवनेश्वर शहर में मौजूद हैं। इस शहर की बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए यहां एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है जो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोगों को उम्मीद है कि बनने के बाद ये हर दिन हजारों लोगों की यात्रा को आसान बनाएगा और हमें आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायर। तब पता चलेगा कि इसमें और मजीद क्या कुछ है। बट आईटी है इसमें। आईटी है नंबर वन पे। जो मुझे पहले से पता था कि इट्स वन ऑफ द एंशिएंट सिटी इन इंडिया, तो उसकी रीजन ये थी कि 700 प्लस टेंपल्स थे इसमें। 700 प्लस जिनमें से अक्सरियत उनकी 1000 साल से भी ज्यादा पुराने टेंपल्स। टूरिज्म तो डेफिनेटली टूरिज्म प्लस आईटी। आईटी प्लस इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग स्टेट सिटी जो सबसे ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट भी कह रहे हैं बाकी जितने भी शहर हैं उनमें से ज्यादा यहाँ पर आई है आईटी को लेकर। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको इंडिया के उन शहरों में शामिल किया जहाँ सबसे बेहतर जो है वो मौजूद शहर थे, अच्छे शहर थे एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर सिटी ग्रो करना अभी अभी कर रहा है ग्रो क्योंकि वो मेट्रो आ रही है और डेफिनेटली मजीद चीजें होंगी साथ साथ। तो अब ये बिल्कुल एक बाकी शहर जो हमने देखे हैं वो बिल्कुल एक साइड पर है, ये अलग साइड पर है। तो बात वही वाली हो गई कि किसी जगह किसी एरिया को नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा, नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा। कलेक्टिवली हर हिस्से को अपने तौर पर जिस तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है जो उसकी स्पेशलिटी है। हाँ, स्पेशलिटी है। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग क्योंकि इकोनॉमी बिजनेस आईटी ये तो हर जगह। अच्छा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। चूंकि वीडियो शॉर्ट थी बहुत डिटेल के अंदर नहीं बताया गया लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये जब हम डिटेल इसकी वीडियो करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बल्कि मैं इसकी वीडियो पहले निकाल के देखूंगा ना जो इसमें 700 मंदिर हैं पुराने पुराने तारीखी। अभी जो कुछ इसमें जो विजुअल्स आई हैं बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड से आई कैचिंग से बहुत ज्यादा वाकई में। अभी सैंडस्टोन के टेंपल्स हैं और एंशिएंट और जाहिर उसकी एक वैसी अपनी ग्रेस और एक खूबसूरती। अभी वो खुद से देखेंगे वो हम देखेंगे कैसी बिल्डिंग चेक करेंगे कि कैसे मंदिर हैं। हां, ओडिशा और उसका ये कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर कुमार खिलाड़ी है इंडिया का क्रिकेट का मुझे याद है। तो ये के बहुत अच्छी वीडियो थी बट शॉर्ट वीडियो थी। शॉर्ट वीडियो थी जल्दी खत्म हो गई लेकिन इसकी इस पर टूरिज्म की वीडियो देखते हैं है कि नहीं है ना। इस पर टूरिज्म बनता है बेसिकली। वीडियो देखते हैं कोई इसकी ना इस तरह की जो पुराने मंदिर हैं हजार साल पुराने उसकी अगर किसी ने पूरी कवरेज की हो तो वो हाँ, देखेंगे। जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर जो जिसकी पीछे कोई हिस्ट्री है कोई मिस्ट्री है। इंडिया के नहीं इस सिटी के ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इसके तो होंगे बहुत ज्यादा लेकिन इस तरह के जाहिर है ओवरऑल पूरे इंडिया में होंगे वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी लगी वीडियो। यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।